रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाश्ते की रेसिपी कि किस तरीके से हम इजीली घर में हेल्दी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कप हमने ये आटा लिया है, यह आम रोटियों का आटा है जो कि हम रेगुलर यूज़ में लेते हैं। आधा कप हमने ये दही का लिया है, तकरीबन के 5 टेबल स्पून के बराबर है दही। हाफ टी स्पून या हसब ज़रूरत हमने ये नमक लिया है और एक कप हमने ये पानी का लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे को छान लेंगे। अभी देखिए हमने आटा छान लिया, अब इसके अंदर हम ये दही डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर हम ये नमक भी ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम पानी से थोड़ा थोड़ा करके घोल लेंगे। अभी देखिए इसको हमने तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरीके से हमने इसको घोला है। देख सकते हैं आप इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, इतना ये थिक होना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पतला भी नहीं है और थिक भी नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से करना चाहिए। अभी तैयार है, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। अभी देखिए 1 घंटा हो चुका है हमारे आटे को घुले हुए। इस तरीके से आप रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आधी कटी हमने हल्दी के लिए थी जिसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। एक हमने मीडियम साइज की प्याज ली, उसे भी हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्ची ली थी जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। एक हमने मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसे भी हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने ये कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून हमने ये जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए ये तमाम चीजें हम इसके अंदर डाल लेंगे। अभी देखिए हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। अभी देखिए ऑयल जो हमने डाला है वो हल्का सा हीट अप हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर हम ये आटे का घोल डालते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल लेते हैं। अब दूसरे साइड से भी इसको हम इसी तरीके से कर लेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार बनता है ये और बहुत हेल्दी होता है। बच्चों को दीजिए आप सुबह नाश्ते में। अभी देखिए एक साइड से हो चुका है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये फिर दोबारा ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। अभी देखिए ये तमाम तैयार कर लिए हैं, इनको हमने बीच में से कट कर लिया ताकि ये खाने में इजीली रहे।
आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक करना, मेरी रेसिपीज को शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अपने शेफ तरीन फातिमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।